400 ग्राम परवल में हम नमक और हल्दी डालकर 10 मिनट तक मैरिनेट करके रख देंगे। परवल को देखिए मैंने बीज निकाल लिया है और इस तरह से आधे आधे छिलके निकाले हैं उसके। फिर एक कढ़ाई में लेंगे हम 2-3 चम्मच तेल और उसमें हमारे 10 मिनट तक मैरिनेट किए हुए परवल को डालकर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक ये गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन और ब्राउन हो जाएगा हल्का हल्का, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इस स्टेज पे हम इसको अब निकाल लेंगे और फिर डालेंगे इसी तेल में एक तेज़पत्ता और डालेंगे हम थोड़े से जीरा के दाने, डाल देंगे एक चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा पानी ताकि ये जले नहीं, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी। और इस मसाले को हमें अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक भुनना है। जब तक ये मसाला हमारा पूरी तरह से कुक हो जाता है, हम तब तक प्रिपेयर कर लेंगे इसमें ऐड करने के लिए दही। तो ये 4 चम्मच दही लिया है हमने और उसमें डाला है 1 चम्मच मिल्क पाउडर। अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे और फिर इसको इस मसाले में डाल देंगे। अब इस स्टेज पे हमको अपना फ्लेम ऑफ रखना है। मसाले को अच्छे से भुनने के बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फ्लेम को ऑफ रखते हुए ही करीब 2 मिनट तक अच्छी तरह से इस दही को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर हम डाल देंगे इसमें हमारे फ्राई किए हुए परवल और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तब जाकर हम फ्लेम को लो पर ऑन करेंगे। लो पर करीब 1 मिनट तक इसको पकने देने के बाद हम फ्लेम को हाई कर सकते हैं। चाहे तो आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पर हम 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम दही के लिए ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, ऐड कर देंगे हम 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच घी और थोड़ा सा चीनी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारा परवल अच्छी तरह से पक नहीं जाता है और हमें हमारी मनपसंद ग्रेवी की कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है। बस सर्व करेंगे गर्मा गर्म।